हाँ, इसका रीजन है शिवा, ये जैन मंदिर में नहीं होती है। हाँ, जैन मंदिर ये राजा से परमिशन लिया था ना बनाने के लिए जी। उस टाइम राजा ने ये शर्त रखी थी कि भाई यहाँ प्रतिमा होनी चाहिए जैन समाज के अलावा जी, तो हम आप बना लेंगे। अब हम चलते हैं सीधे आपको लेकर के राजा का जो महल है, ये सीढ़ियाँ सीधे राजा के महल में गई है। यहाँ पर राजा की जो राजगद्दी है वो भी रखी हुई है। और दूसरी एक खासियत और है दोस्तों कि ये जितना भी पूरा महल बना हुआ है राजा और रानी का, ना तो चूने से कोई इस्तेमाल चूने का हुआ है, ना ही जो है किसी पानी का इस्तेमाल हुआ है, सीधे पत्थर ही पत्थर रखे हुए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बछड़े का बलि दिया जाता था इस मंदिर में, बता रहे हैं यहाँ पर गाइड। ये राजा का राजगद्दी है, नीचे मंत्रियों की सीट है, यहाँ पर आम दरबार लगता था। यहाँ पर एक लंबे चौड़े राजा जिनका 7.5 फीट हाइट था, 250 किलो वजन था, उनका लगा हुआ है वो एक्सप्लेन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इस साइड में ब्राह्मण, उस साइड में सैनिक थी। अभी भी देखिए दोस्तों, जो फरारी की सवारी जो मूवी आई थी ना, उसका स्कूटर ये रखा हुआ है, ऐसा ही लग रहा है ना, फरारी की सवारी का था, या वो कौन सी थी बम्मन ईरानी वाली मूवी, वो ब्लू कलर वाला स्कूटर यही है। नहीं, मैं ऐसे ही झूठ बोल रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है, मेरे को लग ऐसा रहा था इसीलिए बोल रहा हूँ। देखिए अभी भी पुराने समय जो चाकू की धार बनी जाती थी ना, तो आज भी देखिए ऐसे ही बनी जाए। आगे बढ़ो, चलिए चलो। कौन सा होटल? देखिए दोस्तों, ये वो कप है, इसके अंदर दूध डालो, गरम दूध डालो, हाँ वो जम जाएगा, जम जाएगा। स्टेशन में पहले से बोलते थे सुविधा सूट दिया हुआ है, इसका ये जो पिरामिड जाएगा घर में रखने के लिए, ये क्या चीज़ है मतलब इसकी? ये फॉसिल का ये पिरामिड बना हुआ है। अच्छा, पिरामिड बना हुआ, ये पत्थर का ही बना हुआ है पिरामिड? ये आएगा येलो स्टोन, इसमें अपन घर में दही जमाते हैं, पानी दे देते हैं, पानी का पूरा ऑब्जर्व करेगा इसका, इसका एक माइक्रो मतलब दही जम जाएगी इसके अंदर। अब वही है ना, यही वाला दूध डाल के दही डालना पड़ेगा, पानी को अच्छा, ये दही नहीं डालनी पड़ेगी। हाँ, कितने का है? 350 रुपये। जैन मंदिर, जैन सामने, चले ओके, थैंक यू। चलिए सबसे पहले जैन मंदिर लेकर के चलते हैं आपको। ये देखिए पूरा मार्केट में, मार्केट है महल के ही अंदर। देखिए घर भी हैं, जो घर दिखा देता हूँ एक बार, इस प्रकार से घर हैं महल के अंदर, जो अभी भी लोग रह रहे हैं उनके उनके घर हैं। देखिए पूरा मार्केट लगा हुआ है, कपड़ों की दुकान है, कब मार्केट है यहाँ पर। ये देखिए पुराने समय की घड़ी लगी हुई है यहाँ पर, जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह पर रहती है उस प्रकार से। चलिए आगे चलते, चलिए आगे चलते। कौन सा है? चल रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये है जैन टेंपल है, ये है टिकट लेने जैन मंदिर जाएंगे, फिर वो बंद हो जाएगा, पहले जैन मंदिर देख लेते हैं। तो यहाँ टिकट लगती है, तो टिकट ले रही है अभी, फिर आगे चलेंगे जैन मंदिर दिखाएंगे आपको। ₹50 टिकट है, मोबाइल कैमरा ₹50।
कैमरा चार्ज। इतने सुंदर सुंदर कैमल वगैरह हैं, घोड़े हैं, एलिफेंट है रखे हैं, गणेश भगवान है। ये है मंदिर, जैन मंदिर। इसके अंदर चलते हैं, दिखाएंगे आपको अंदर का। ये देखिए दोस्तों, ये मिली है हमें 50 रुपये में मोबाइल ले जाने के लिए अंदर टिकट, और ये है जैन मंदिर। चलिए जैन मंदिर के अंदर चलते हैं। दोस्तों पानी की बोतल अंदर नहीं लेके जाने दिया जाएगा, तो इसलिए हम इसको यहीं रख देते हैं, आगे ले लेंगे अपनी पानी की बोतल। खाली एक मोबाइल ही लेके जा सकते हैं अंदर। देखिए दोस्तों ये है जैन मंदिर, जैसे ही अंदर चलते हैं इसके। ये देखिए पत्थर भी गोल्डन कलर में ही है, सारा पत्थर गोल्डन कलर में है। अब देखिए यहाँ की मैं दिखाता हूँ आपको कलाकृति कितनी सुंदर बना हुआ है। ये जो है देखिए, हाँ ये देखिए कितनी सुंदर नक्काशी। इनके अंदर मूर्तियाँ बनी हुई है ना, मूर्तियाँ बनी हुई है ना इनके अंदर, मूर्ति बनी हुई है ना इनके अंदर। ये देखिए ये भैया वो अंकल बता रहे हैं ये सब। ये देखिए देखिए श्री चंद्र प्रभु स्वामी जी का मंदिर, ये लिखा हुआ 1509 में प्रतिष्ठा हुई थी। ये देखिए ये है बहुत ही सुंदर मंदिर, मूर्ति है जैन बुद्ध की। चलिए एक बार इधर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर हर जगह ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जैन धर्म से ही संबंधित हैं, और जहाँ जितनी भी हैं ये नक्काशी गजब की है ना। यहाँ पर सब में मूर्ति बन रही है, किसी में फूल वगैरह बन रहे हैं। ये देखिए मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ये देखिए ये गौर से देखोगे तो ये मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये देखिए कारीगरी है गजब की। ये और बड़ी बड़ी आ गई मूर्तियाँ, ये देखिए सारी ये जैन मंदिर में। चलिए ये चारों तरफ से जैन भगवान की मूर्ति है। देखिए छत पर चलते हैं, इनके छत पर से और एक बार ऊपर से दिखाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। ये इनका भी कोई ना कोई कभी मतलब ही रहा होगा, ये इस प्रकार से बनाए शेर के से मुंह। ये देखिए यहाँ से ऊपर से भी, ऊपर भी चारों तरफ इसी प्रकार मूर्तियाँ लगा रखी हैं और दीवारों में लगी हुई हैं। यहाँ पर भी है मंदिर, यहाँ से ये देखिए ऐसा लगता है। देखिए नीचे जो है में ऊपर ये देखिए नीचे गणेश भगवान की मूर्ति है और ऊपर शिव और पार्वती, शिवा पार्वती की मूर्ति। यहाँ जो बना रखी है इनका कोई रीजन था ना कुछ? हाँ, इसका रीजन है शिव और ये जैन मंदिर में नहीं होती है। हाँ, जैन मंदिर ये राजा से परमिशन लिया था ना बनाने के लिए जी। उस टाइम राजा ने ये शर्त रखी थी कि भाई हर भगवान की प्रतिमा होनी चाहिए जैन समाज के अलावा जी, तो हम बना दें। जब से तब राजा ने अनुमति दी थी, उन्होंने ये बोला पूजा के लिए हम प्रतिमा विराजमान नहीं करेंगे, वो हमारे जैन समाज की वही करेंगे जो तीर्थंकर की, बाकी दर्शन के लिए हम करेंगे। तो सब आपको हर मंदिर में भगवान मिलेंगे, राम लक्ष्मण मिलेंगे, सीता मिलेगी, विष्णु भगवान है, शिव है, पार्वती है, कृष्णा है, हर भगवान मिलेंगे आपको सात मंदिर में, बाकी जैन मंदिर में कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ नहीं मिलते, देख लीजिए। चलो ये देखिए जैन मंदिर के ही पास में एक और है ये मंदिर, इसमें भी इसी प्रकार से देखिए मूर्तियाँ खम्भों पर उकेरी गई हैं, बनाई हुई है। देखिए कितनी पत्थर भी कितना चीकना है ना, नहीं तो बहुत चीकना पत्थर है। ये देखिए किस प्रकार कितना सुंदर लग रहा है ना ऊपर का, रियल में सुंदर है। ये देखिए हाँ 50 रुपये टिकट है और बनाया मतलब कैसे हुआ,
कितनी कारीगरी दी है, रियल में कारीगरी दी है। आपको मोबाइल में देखने से शायद ऐसा नहीं लग रहा होगा टीवी पर। हाँ ये देखिए जैन धर्म की मूर्ति है, ये देखिए महिला पुरुष की, ये कोई भगवान थोड़ी, ये देखिए तो ये देखिए ये राजा रानी की बच्चा है शायद, पता नहीं कौन है, नहीं माँ का बच्चा है कोई, राजा रानी नहीं है। देखिए ऐसे ही चारों तरफ ये है बना हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ऊंचाई तक है, विशाल है, बहुत विशाल है ऊपर तक। चलिए दोस्तों इस मंदिर में राजा, जब जैन धर्मार्थियों ने बोला था कि हमें यहाँ मंदिर बनाना है, तो राजा ने ये बोला था कि पहले हमारे भगवान देवताओं की जो मूर्ति होंगी तब जा करके आपको यहाँ पर बनाने की परमिशन दी जाएगी। ये देखिए पता नहीं किस चीज़ के लिए, पानी का निकास वगैरह के लिए कि किसके लिए, कोई पता नहीं समझ में नहीं आ रहा, पर बहुत सुंदर बनाया हुआ है। ये देखिए बहुत ही सुंदर है, अच्छा है, ऊपर से बहुत ऊपर तक है ये। चलिए आगे चलते हैं। राम लक्ष्मण सीता सबकी मूर्ति है। हाँ चलो सब भगवान। ये देखिए इनमें पता चलेगा आपको, इनमें अगर आप गौर से देखोगे ना तब पता चलेगा, ये नाम लिखे हुए हैं इनमें। अच्छा। हाँ बहुत छोटे छोटे उसमें मारी गई। मंदिर में हनुमान बाबा, हनुमान बाबा नहीं है वो कोई और ही है, जैन है। चलो ये देखिए हाँ यहाँ पर है गणेश भगवान, देखिए गणेश भगवान जी की मूर्ति है यहाँ पर। ये देखिए कितने वो सुंदर ये वो बना रखे है ना, ये जो पिलर से जो है ना। और ये देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पर नक्काशी की हुई है, ये देखिए कितने सुंदर कलरों में, फिलहाल जाली लगा रखी है इनके ऊपर और है बहुत सुंदर। ये देखिए पूरा दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए चलिए देखिए गर्मी गुम्बद बनाया हुआ है और ये मूर्ति है। ये देखिए ये अंकल जो ऊपर ये जो मूर्ति है इसमें ऐसे एक चेहरा और, अच्छा अच्छा ये देखिए कहीं से भी घूम करके देख लो वो एक सिर जो है वो पांचों बॉडियों में फिट होता है, ये है ना आज तरफ से कैसे भी देख लीजिए, ये देखिए और कैसे घूम करके देखिए ये फिट हो जाएगा वही चेहरा। अगर ये वाला हिस्सा देखिए ये वाला देखना तो इसमें मूर्ति को लगा लीजिए और पाँचों का मतलब हो जाएगा ये फिट, यहाँ कलाकार ही। चलो ये देखिए अंग्रेज लोग वगैरह आए हुए देख रहे हैं ये सब लोग, सबसे ज़्यादा मैंने पहले बोला था टूरिस्ट प्लेस बोला जा रहा है, टूरिस्ट प्लेस बोला जा रहा है जैसलमेर को, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। Sei il numero, sei come il top, il numero. Ok. दोस्तों तो ये है जैन मंदिर, सारे मैंने जो दिखाई तीन चार तरह के जैन मंदिर हैं, ये पीछे जो यहाँ पर मूर्ति दिख रही है ये भी जैन की है, जैन मूर्तियाँ हैं। तो दोस्तों ये एक ब्लॉक काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसके बाद में हमें दूसरा जो पार्ट दिखाना है, तो मंदिरों का भी यही ख़त्म करता हूँ। दोस्तों वीडियो जैन मंदिर के कैसे लगे एक बार कॉमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू रहेंगे हमारे सारे वीडियो। ठीक है।